जा मुन्ना भाई लगा ला भाई, ऐसे बीच में आ पाओ भैया, अरे पीछे हटो थोड़ा थोड़ा, मना दोरा मुन्ना ना सेटो मुन्ना भाई बनो ऐसा बनो సీనియర్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు మంగళ కూర్చోటో కూర్చోటో है तो थोड़े हाथों में पकड़ ले खड़े तो हो ఈరోజు జగిత్యాల పట్టణంలోని ప్రముఖ మా సీనియర్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు ముజాహిద్ పట్వారి ఈ కోవిడ్-19 బీమారితో చాలామంది అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు కాబట్టి మాస్కులు 1,000 మందికి చూపించడం జరిగింది. ఆజీ లడ్డు కాజా చౌరస్తాకనే మన సీనియర్ లీడర్ ముజాహిద్ పట్వారి 1,000 లోగోకు మాస్క్ సిలాకే దియ మరి ఇంకు శుక్రియా అదా కర్తా యువతో ఏ బీమారీ ఐసా హై ఆద్మీ ఎక్దమ్ జో నార్మల్ రహతా హై బీమారీ నహీ రహతా హై ఐసా వాళ్ళకు నజదీక్ గయే తో వో లోగోకే ముంహ్ సే జో मुंह से छाल निकलता है, जब खांसी से छींकने से जो भी ये छाल बाहर आता है उसके वजह से ये छाल के वजह से ये वायरस फैलता है. इसीलिए अपन कम से कम एक टू एक सोशल डिस्टेंस एक गज दूर मेंटेन करना. दूसरा है मास्क पहने तो अच्छा रहता, वो भी कपड़े का अच्छा रहता. N95 बोलते पर वो सप्लाई नहीं है, मेडिकल वाले इस्तेमाल करते. अपने हिसाब से ये कपड़े का लगा के 3-4 घंटे को एक बार साफ धो लेना, इसलिए 3-4 सिला लेना अपन खाली ऐसा डोरियों से. मेडिकल शॉपों में जाना, वहाँ खरीदना, यहाँ खरीदना बोल के नहीं पीना. अपने मोहल्ले में जो भी रहता है अपना दर्जी, वहाँ से सिला लेना बोल के मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ. और दूसरी बात है बाजारों पर दूसरे गाँव को नहीं फिरना, क्योंकि तो ये बीमारी दूसरे मुल्क से आया. अब यहाँ ये मुल्क में पकड़ गए, अपने तेलंगाना रियासत में भी आ गए, तेलंगाना रियासत में भी आ गए, करीमनगर में भी आ गए. ये आए तो उनका माँ को आ गया, उनका बहन को भी आ गया, आपको मालूम. इसीलिए अपन एक टू एक दूर रहना, सोशल डिस्टेंस रहना, ये सबसे पहली बात है. दूसरे हर एक घर के सामने एक बकेट रख लेना, साबुन रखना, हाथ पाँव धो लेने के बाद ही अंदर घर में जाना, हाथ पाँव धो लेने के बाद ही अंदर जाना. कोई भी आप वीडियो के तरफ से फिर एक बार मैं जगित्याल के आम पब्लिक को गुजारिश करता हूँ, आप सब लोग थोड़ा घर में ही रहिए. अगर कुछ खाने का या तरकारी होने दो, दवाई होने दो या चिकन होने दो, कुछ दूध बच्चों के लिए. अगर गए तो अकेला जाइए, दूर रहिए. किसको ये बीमारी है किसको नहीं मालूम नहीं होते. जो बोले तो नौजवानों को अपन तो रेसिस्टेंस पावर रहते,
ये कोरोना वायरस अपने अंदर रहता और ये रिस्टेंस पर हुआ अच्छा रहता, मगर ये छाल से, मुंह से, नाक से, छींकने से, खांसी से बाहर आते वो गिरते। घर में भी अपन को नौजवान अच्छा लगते, पर अपने घर में जो बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, वो लोगों को आप फैलते हैं। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, ये थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। नौजवानों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, बाहर ज़्यादा नहीं निकले, अगर निकले तो भी एक गज दूर कंपलसरी रहना, एक गज दूर कंपलसरी मेंटेन करना। आज मेरा छोटा भाई मुजाहिद पटवारी आज लड़का चौरास्ता पे एक अच्छा कदम उठाए, 1000 लोगों को मास्क दिए। ये देने का मतलब है एक आदमी कितने लोगों को नहीं देख सकते, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप मीडिया के प्रेस रिपोर्टर्स यहाँ है, आप सबको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ये बात है थोड़ा पहला ही है, मैं फिर एक बात बोल के मैं ये मीटिंग क्लोज करता हूँ। हर एक आदमी वहाँ मोहल्ले में जो टेलर्स रहता है वहाँ ऐसा कपड़ों का सिला लेना। अपन एक आदमी को कम से कम एक 4 रहना, दिन में 4 बदलना, गर्म पानी में उबालना, उबाल के फिर नेक्स्ट डे ये पहनना। एक एक बच्चे को 4, एक आदमी को 4 कंपलसरी सिला लेना। बोला दस्ती लगा के वो लगा के वो निकल जाते नहीं रहते, इसीलिए सबसे गुजारिश है थोड़ा सोशल डिस्टेंस, एक गज दूर भी रही है। मैं आज ये प्रोग्राम को मुझे बुलाया था TRS लीडर मुजाहिद पटवारी को, इसमें शामिल हुए दूसरे बुजुर्गों को, हमारा सभी का सदर रियाज मामा को, एतमाद भाई को, नाइज भाई को, सबको ना भाई को, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रेस रिपोर्टर को भी शुक्रिया अदा करता हूँ।